हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी आर स्टार्टेड अ सेशन नंबर 7। दिस आर द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर 4, किंगडम एनिमेलिया। सो नाउ टुडे वी आर स्टडीड अबाउट द टॉपिक्स डिवीजन गैंथोस्टोमाटा। सो देन इन द लास्ट सेशन वी आर स्टडीड अबाउट द पाइसेस, बट नाउ टुडे वी आर स्टडीड अबाउट द गैंथोस्टोमाटा डिवीजन। So Ganthostomata include two superclass, Pisces and Tetrapoda. So now today we are started about the Tetrapoda. So Tetrapoda include four different classes: class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. तो Tetrapoda में कितने क्लासेस है? टोटल फोर। कौन कौन से फोर क्लासेस है? एम्फीबिया, दूसरा रेप्टेलिया, थर्ड एव्स एंड फोर्थ इज अ मैमेलिया। तो चार क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स और मैमेलिया, मीन्स मैमल्स। सो फर्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग, पहला क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। सो नाउ जब हम लोग एम्फीबिया कंसिडर करते हैं तो हमारे सामने एग्जाम्पल आता है फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया। सो नाउ एम्फीबिया द मेन हैबिटेट कौन सी है एम्फीबिया की? दे कैन लिव इन अ एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। सो दोनों जगह पे मिलते हैं इसलिए उसको एम्फीबियन बोलते हैं। ओके, सो नाउ दे आर मोस्टली फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस एंड दे हैविंग अ टू पेयर्स ऑफ लिम्स। ओके, सो एम्फीबिया का फर्स्ट कैरेक्टर हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है? दे आर लिव इन अ एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। नाउ द बॉडी, आप लोग नीचे फ्रॉक आपको दिखता हो, द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक इज अब्सेंट। ओके, वाइल इन सम सैलामेंडर टेल इज प्रेजेंट, मगर मोस्ट ऑफ द एम्फीबिया में नेक अब्सेंट रहती है, हेड एंड ट्रंक इज प्रेजेंट। ओके, टेल मे बी प्रेजेंट इन द सम मीन्स इन सैलामेंडर। सो नाउ देयर स्किन, आप लोगों ने कभी फ्रॉग पकड़ा होगा तो देखा होगा, द स्किन इज अ मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है? मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। द आईज हैव आई लीड्स, आई के ऊपर एक लीड रहता है, फ्रॉग सैलामेंडर आपको देख सकते हो। सो देयर इज अ आई लीड इज प्रेजेंट ऑन द आई। ओके, द ईयर, अभी जो ईयर है इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द थिम्पैनम। ईयर पूरा अपना एक्सटर्नल पिन्ना जैसा है ह्यूमन बींग का, वैसे एक्सटर्नल पिन्ना एम्फीबिया में नहीं रहता, बट नाउ ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय थैम्पिनम। थैम्पैनम मीन्स देर इज अ छोटा सा एक पर्दा जैसा रहता है। ओके, तो आप लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हो कि आँखों के पीछे एक गोल कलर, गोल है ना आँखों के जस्ट पीछे, दीज आर द थैम्पानम। थैम्पानम इज अ रिप्रेजेंटेड एज अ आई। नाउ इन द एम्फीबियम द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्ट सिस्टम आती है, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस ट्रैक्स ओपन इनटू द कॉमन चेंबर। ओके, एम्फीबियम में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी चेंबर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू द कॉमन चेंबर कॉल्ड एज अ क्लोका। उसको क्या बोलते हैं? क्लोका, एंड क्लोका ओपन एक्सटीरियर। तो यहाँ पर देखो एम्फीबिया में इतना याद रखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक ही जगह पे ओपन होते हैं कॉमन चेंबर में, उसको बोलते हैं क्लोका, CLOACA, क्लोका, एंड दिस ओपन एक्सटीरियर। कहाँ पे ओपन होता है? एक्सटीरियरली। सो रेस्पिरेशन, नाउ इन एम्फीबियन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्किन। रेस्पिरेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन, लंग्स एंड बकोफेरिंग्स। बकोफेरिंग्स इसमें दिया नहीं मैंने, लंग्स है, गिल्स है, स्किन है एंड बकोफेरिंग्स। फ्रॉग में बकोफेरिंग्स से होता है। ओके, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ हार्ट इज अ थ्री चैम्बर। हार्ट कितने चैम्बर का है? थ्री चैम्बर, और टू ओरिकल एंड ओनली वन वेंट्रिकल। तो यहाँ पे देखो दो ही ओरिकल है ऊपर वाले चैम्बर, और वेंट्रिकल कितना है? ओनली वन। एम्फीबिया आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल,
So what is meant by cold-blooded animals? Cold-blooded animal can change their temperature according to the surrounding. Warm-blooded animal अपना temperature change नहीं कर पाते according to surrounding. But cold-blooded animal change their body temperature according to the surrounding. For example, अभी मान लिया कि बाहर का temperature 35 degree Celsius है, तो cold-blooded में outer 35 temperature degree Celsius होगा, तो उनका cold-blooded animal का 37 होगा. ओके, मीन्स एक डिग्री ज़्यादा, तो इसलिए बाहर का सराउंडिंग उनको मॉडरेटली थोड़ा सा कूल लगता है, क्योंकि एक टेम्परेचर एक परसेंटेज उनसे ज़्यादा है. ओके, मगर जब एकदम कोल्ड होगा, 4 degree टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उनका 5 degree नहीं रहता, उनका 3 degree रहता है. दिस आर द हैबिटेट ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ओके, सेक्सेस आर सेपरेटेड. एम्फीबिया में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहते. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओवीपेरस. ओवीपेरस मीन्स एक हैचिंग करते. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया. सो वॉट इज एम्फीबिया? एम्फीबिया के कैरेक्टर कौन सा है? पहला हैबिटेट कौन सा है? दे आर लिव इन अ एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक. ओके, टेल मे बी प्रेजेंट. एग्जाम्पल सेलेमेंडर में प्रेजेंट है, फ्रॉग में नहीं है. द स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर. आई हैव आई लीड्स. द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय थिम्पैनम. एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन इन अ कॉमन ट्रैक कॉल्ड एज अ क्लोका विच ओपन एक्सटीरियरली. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लंग्स और स्किन. नाउ हार्ट इज अ 3-chamber. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सेक्सेस आर सेपरेटेड. दे आर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओवीपेरस. दीज आर द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया. सो एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रॉग, टोड, सेलामेंडर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज अ क्लास रेप्टेलिया. आप लोगों को क्लास रेप्टेलिया में आपको नीचे शर्मेलन का डायग्राम है, क्रोकोडाइल है. ओके, चिलोन में आता है टर्टल, कोबरा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेप्टेलिया. तो रेप्टेलिया में फर्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? वॉट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वाटिक. ओके, नाउ द स्किन. स्किन कैसी रहती है रेप्टेलिया में? ड्राई. स्किन कैसी रहती है? ड्राई एंड कवर विद द स्केल. रेप्टेलिया में स्किन जो है वो ड्राई है एंड कवर विद द स्केल. ओके, एपिडर्मल स्केल बोलते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं रहती है. सो नाउ रेप्टेल. रेप्टेलिया में बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. ओके, दे हैविंग 4 limbs. कितने लिम्स हैं? 4 limbs. एक्सेप्ट स्नेक. स्नेक कैसा है? विदाउट लिम्ब, लिम्बलेस है. ओके, नाउ द थिम्पैनम रिप्रेजेंटेड एज अ ईयर. एम्फीबिया में थिम्पैनम था. लिम्स आर प्रेजेंट एंड 2 pairs एक्सेप्ट इन अ स्नेक. हार्ट यूजुअली 3-chamber. रेप्टेलिया में हार्ट कैसे रहता है? 3-chamber बट 4-chamber इन क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल का एक एक्सेप्शन है. रेप्टेलिया में 3-chamber हार्ट पाया जाता है, क्रोकोडाइल में 4-chamber. ओके, एंड दे आर पोक्योथर्म. पोक्योथर्म मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सो रेप्टेलिया आर पोक्योथर्म. पोक्योथर्म मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. ओके, सेक्सेस आर सेपरेटेड. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल. एंड दे आर ओवीपेरस. सो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ रेप्टेल. आप लोग कभी ये जो कैरेक्टर लिखना है तो उसको कोई भी उस एनिमल को सामने रखो और उसके कैरेक्टर. पहले हैबिटेट क्रोकोडाइल में हम लोगों ने लिया, स्नेक से लेके लिजार्ड से लेके टर्टल से लिया. तो अभी क्रोकोडाइल रेप्टाइल में एक क्या आएगा? फर्स्ट हैबिटेट. दे आर टेरिस्ट्रियल बट सम आर एक्वाटिक. एक्वाटिक कौन से? जो क्रोकोडाइल है वो एक्वाटिक है. टर्टल कौन से? एक्वाटिक है. मगर दूसरे कैसे? मोस्टली टेरिस्ट्रियल है. ओके, इसकी स्किन कैसे रहती है? स्किन कवर विद द स्केल एंड ड्राई. स्किन कैसे रहती है? ड्राई.
ग्लैंडुलर नहीं रहती, एम्फीमेम में ग्लैंडुलर रहती, बट नाउ हियर द स्केल इज अ स्किन इज अ ड्राई एंड हैविंग इपिडर्मल स्केल. सो ईयर इज रिप्रेजेंट बाय द थिम्पैनम. सिर्फ एक मेम्ब्रेन, छोटा सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है पतला सा, विच वर्क एज अ ईयर. ओके, द टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट बट एक्सेप्ट इन स्नेक्स, स्नेक्स आर लिम्बलेस. बॉडी डिवाइडेड इन टू हेड, नेक, थोरैक्स एंड एबडोमन, टेल. तो कितने चार पार्ट है, मेन हेड, नेक, थोरैक्स एंड टेल. ओके, बॉडी में एंड टेल. सो दीज आर द बॉडी पार्ट्स. ओके, नेक इज प्रेजेंट, एम्फीबियम में नेक अब्सेंट ही. हार्ट इज अ यूजुअली थ्री चेम्बर, कितने थ्री चेम्बर, एम्फीबियम में थ्री चेम्बर थे, बट नाउ इन रेप्टाइलिया, इन क्रोकोडाइल दे आर फोर चेम्बर. ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल का वर्ड कौन सा है, पोकियोथर्मिक. सो इन पोकियोथर्मिक मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ओके, नाउ इन रेप्टेलिया स्पेशली इन द स्नेक एंड लिजार्ड दे शेड देयर स्किन, स्किन चेंज करते हैं, ये हैबिट है रेप्टेलिया का, मगर किसमें, सिर्फ स्नेक एंड लिजार्ड में. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों अलग रहते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओवी पेरस. ओवी पेरस मीन्स अंडे देने वाले. नाउ ये कैरेक्टर हो गया रेप्टेलिया का. सो नाउ द नेक्स्ट वन, क्लास एव्स. एव्स मीन्स बर्ड्स. आपको जितने भी बर्ड्स है वो किस में आते हैं, एव्स. सो मेन हैबिटेट कौन सी है, दे आर मोस्टली हैबिटेट कौन सी रहेगी, हाँ एरियोलर. एरियोलर मीन्स हवाई में उड़ने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, एरियोलर. ओके, बॉडी कवर विद द फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो बर्ड है वो फ्लाइटलेस है. ओके, फ्लाइटलेस मीन्स उड़ नहीं सकता. बट नाउ हियर वंस अगेन हैबिट कौन सी है, एरियोलर. ऑस्ट्रिच कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, दौड़ता है, रनर, फास्ट रनर. बट सबकी मोड ऑफ लाइफ कैसी है, एरियल. द मोड ऑफ लाइफ इज अ एरियल एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच. बॉडी कवर विद द फेदर्स, बॉडी कवर विद द फेदर. द स्किन इज ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, कवर विद द फेदर्स. ओके, स्किन कैसी है, ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड नहीं है, कवर विद द फेदर्स. ओके, द लिम्स आर प्रेजेंट, द हाइंड लिम जनरली हैव स्केल एंड मॉडिफाई फॉर द वॉकिंग. सो हाइंड लिम इज फॉर द वॉकिंग, जो दो नीचे पैर दिख रहे हैं वो दिस हाइंड लिम, बट फोर लिम मॉडिफाई इनटू द विंग्स. इन बर्ड्स फोर लिम मॉडिफाई इनटू द विंग्स. जो हाइंड लिम है वो सिर्फ चलने के लिए काम में आते हैं एंड हैविंग स्केल, इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल प्रेजेंट है, मगर जो फोर लिम है इट मॉडिफाइड टू द विंग्स. सो नाउ स्किन के बारे में, एक्सोस्केलेटन इज अ फेदर, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स. ओके, नाउ इन बर्ड्स, बर्ड्स का भी देखो यहाँ पे जॉ इज अब्सेंट एंड जॉ की जगह पे यहाँ पे क्या है, बीक इज प्रेजेंट. बर्ड्स में जॉ प्रेजेंट नहीं रहता है, बट जो इज मॉडिफाइड टू द बीक. ओके, अभी हार्ट कंप्लीटली फोर चेंबर. बर्ड्स में हार्ट कितने चेंबर का है, फोर चेंबर. एंड एव्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल. ओके, उसको होमो आयो थर्मस बोलते हैं, होमो आयो थर्मस. ओके, इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ओके, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द लंग्स एंड हैविंग एयर सैक. लंग्स को एक एक एक्स्ट्रा कनेक्शन रहता है एयर सैक का. सो नाउ विच हेल्प फॉर द रेस्पिरेशन. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग रहते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओवी पेरस. तो फास्ट फॉरवर्ड में एव्स के कैरेक्टर देखता हूँ. एव्स हैबिटेट, दे आर मोड ऑफ एरियल लाइफ. हैबिटेट कौन सी है, मोड ऑफ एरियल लाइफ. ऑस्ट्रिच ओनली टेरेस्ट्रियल. ओके, जॉ इज मॉडिफाइड टू द बीक. फोर लिम मॉडिफाइड टू द विंग्स, वाइल हाइंड लिम
having scale and modify for the walking. Skin is dry, non-glandular and covered with exoskeleton feathers. Okay, heart is completely four chamber. They are warm-blooded animal. Respiration takes place with the help of lungs and air sac connected to the lungs. Sexes are separated. Fertilization is internal and they are oviparous. So these are the characteristics of aves. आप लोग birds को सामने रखे हो उसके characters आपको याद आएंगे. Now the next one, next class mammalia. So now class mammalia. Mammalia, so they are habitat. Habitat कौन से? They are terrestrial भी है. They are aquatic. Aquatic में सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? वेल. ओके, डॉल्फिन भी आता है मैमल में. सो दे आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल. एरियल में बैट आता है जो उड़ता है. सो दे आर टेरेस्ट्रियल, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल. सम आर एक्वेटिक. ओके, एंड एरियल. ये हुआ हैबिट. नाउ इन मैमल, मैमल का स्किन कैसा है? स्किन इज अ थीन एंड ग्लैंडुलर. थीन एंड ग्लैंडुलर. द टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट एडप्ट फॉर किसके लिए? लिम्स किसके लिए एडप्टेड है? फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्लिमिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग. क्योंकि इसके हैबिटेट वेराइटी हैबिटेट ज़्यादा है तो जो लिम्स है इट इज़ मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग. ह्यूमन बींग में वॉकिंग है, बैट में फॉर फ्लाइंग है. ओके, कांगारूज, बहुत सारे एनिमल्स, टाइगर, रनिंग फॉर द रनिंग के लिए है. सो लिम्स आर एडप्टेड फॉर द वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग. नाउ इन मैमल, मैमल को क्यों बोलते हैं? नाउ मैमल दे आर विवीपेरस एंड दे आर यूनिक कैरेक्टर द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. सो बच्चों को पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए द मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड मैमरी ग्लैंड्स ओनली प्रेजेंट इन द मैमल्स. द स्किन इज अ थीन ग्लैंडुलर कवर विद द हेयर फर. ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? द एक्सटर्नल पिन्ना ईयर इज प्रेजेंट. एक्सटर्नल पिन्ना दैट इज ईयर इज प्रेजेंट. हार्ट इज अ फोर चेंबर, टू ऑरिक्यूल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ लंग्स. सेक्सेस आर सेपरेटेड. Fertilization is internal. They are viviparous. Okay, viviparous. Viviparous है, exception है Marcopus, उसको periplatus बोलते हैं. Periplatus is a hatching eggs. Exception है, these are because periplatus is a connecting link between mammals and aves, ऐसे मानते हैं. तो अगेन क्लास मैमेली के कैरेक्टर जाता हूँ. हैबिट, हैबिट कहाँ पे है? टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक भी है, एरियल भी है. ओके, नाउ सेकंड वन, दे पोजेस अ मैमरी ग्लैंड टू नरिशेस यंग वंस. फोर पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट एंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग्स एंड स्विमिंग. स्किन इज अ ग्लैंडुलर, थीन एंड ग्लैंडुलर, कवर विद द फर, हेयर्स. Okay, external ear is present. External ears are present. External ear कैसे present है? Now heart is a four chamber. Heart कितने? Four chamber. They are warm blooded animals. Warm blooded animal. Respiration takes place with the help of lungs. Sexes are separate. Fertilization is internal and they are viviparous. Viviparous means they give birth.
directly to the new young ones. ओके एक्सेप्ट एक्सेप्शन कौन सा है, पेरिप्लेटस जो अलग ही है मैमल्स में भी. ओके सो दिज आर द क्लास मैमिलिया. सो दिज आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ मैमिलिया और साइलेंट फीचर्स ऑफ मैमिलिया. सो मैमिलिया में जो लाइन का डायग्राम दिख रहा है दिज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग मैमल्स. ओके थैंक यू एंड टेक केयर. ये चैप्टर खत्म हुआ. नाउ इन द नेक्स्ट session I will take another new chapter.